I'm 16 years old. Wait, what is the how old are you? 16 years old. 13. How old are you? तो क्या हाल है, फिर से वापसी नई जगह के साथ। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट बनाया गया था इंसानों के फायदे के लिए, लेकिन कुछ हरामियों ने उसके उल्टे ही फायदे निकाल लिए। हमें इंटरनेट पे सर्च करना था कि कैसे हम पानी को ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करें, लेकिन ये हरामजादे पानी निकालने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं। पानी वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, इंसानों वाला पानी। हमें गूगल पर सर्च करना था कि गंजपन को कैसे खत्म करें, लेकिन इन हरामियों ने गंजों को ही अपना आइडियल बना लिया। हमें गूगल पर सर्च करना था हाउ कैन वी डिस्कवर हिस्टोरिकल कप, तो ये हराम ज्यादा सर्च कर रहे हैं हुज द बेस्ट पॉर्न स्टार ऑन पॉर्न हब। आप एकदम राइमिंग बोले भैया जी। इंटरनेट इसलिए बनाया गया था कि आप अपने लोगों से कनेक्टेड रहें, लेकिन कुछ हरामी इंसान रात के 3 बजे अमेरिका कनेक्ट हो जाते हैं। That was just a joke apart. बकचोदियां बहुत हुई और बकचोदियां करते रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। अब चलते हैं सीधा काम की बात पे। तो यार झांट के बार और इंटरनेट इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं आता है। सही है, तुम्हें टट्टी आती है तो तुम वॉशरूम में नहीं करो, सोशल मीडिया है ना, जाके हगो। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, किसी किसी को मुठ मारनी होती है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, किसी को बातें चोदनी होती है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, किसी को नाना होता है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, किसी को अपनी हवस निकालनी होती है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे आ जाओ। देखो यार इंटरनेट पे ना एक चीज बहुत कॉमन है, और वो चीज ये है कि पहले के जमाने में जब औरतें प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो वो अंडरग्राउंड हो जाया करती थी। जैसे कि आप सनम जंग को ही देख सकते हो, उसका डेली का मॉर्निंग शो आता था, लेकिन वो गायब हो गई थी जब वो उम्मीद से थी। चाहिए और आजकल की औरतें ले 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 खींच फोटो। तो अब हम बात करते हैं एज के बारे में कि ये जो आने वाले नए इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स ये अपनी एज क्यों छुपाते हैं, तो चलिए वीडियो पे नजर मार लेते हैं। Like honestly how old are you? 13. क्या? नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? हाँ 13. What? 13. अरे बेटा मेरी बहन जो मुंह में आ रहा है वो बोल दो बोल दो बोल दो। 13. बच्चोदिया नहीं करो फजूल की, 13 साल की दूंगा तेरे मुंह पे चांटा। हम सब तो लंडे बहनचोद। आप बताएं आप भी 13 का है? नहीं मैं 13 का नहीं हूँ, मैं इनसे 6 साल बड़ा हूँ। तो 6 साल क्या होता है? 13 21 14 15 16 17 18 19 अबे चूतिये के बच्चे 19 साल होता है, जाहिल के बच्चे कौन से स्कूल से पढ़ा है तू, जंगली के चोदे गवार खांस तू, कारी साहब के नीचे ना लेटा होता। How old are you? I'm 16 years old. अबे यार ये औरत कितना चूतिया बनाएगी, कितना चूतिया बनाएगी। Basically इनकी हकीकत ये होती है कि इनको घर से कोई इज्जत कोई अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये लोग अटेंशन लेने के लिए आप लोगों को चूतिया बनाते हैं। सही है, तो तुम्हें चूतिया बना रही है तो चलो मैं भी तुम्हें चूतिया बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हक तो मैं भी रखता हूँ। ये वीडियो मैं सिविल अस्पताल के बच्चा वार्ड से बना रहा हूँ। अबे गायनी वार्ड कहते हैं उसे। क्या? गायनी वार्ड। अच्छा गायनी वार्ड, हाँ वही। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम इसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंको, कोई 80 साल की बुढ़िया निकल कर आएगी रुखसाना नाम की, सही है, और जो कि रात में ना आयोडेक्स बाम लगवाती है कमर के दर्द की वजह से। तो जड़ा खोड़ मुनाफिक मुखे हथ देण जे लाए तरसंदा आइन, तो जड़ा खोड़ मुनाफिक मुखे हथ देण जे लाए तरसंदा आइन, तू ता जारो इज्जत दे इज्जत वठ, इन में भलाई थी बदाइन, हर रोज असा वट सलामी दीदा आइन। अबे ऐसे एक्शन दे जैसे ये वीडियो देख के तेरी गांड फट गई। ये ना ब्रो मेरी ना गांड फट गई, फिर प्लीज अब ऐसी वीडियो नहीं बरमनाया करें, मेरी गांड फट जाती है ना। आजकल का जमाना ऐसा है कि लोग अपने ही टट्टे
चाटने में लगे हुए हैं। देखो यार, आपने कभी बिल गेट्स को गाड़ी की स्नैप डालते हुए देखा? नहीं ना। कभी आपने मार्क जकरबर्ग को कोई गन की स्टोरी लगाते हुए देखा? नहीं ना। मोदी या इमरान खान को किसी चीज को लेकर फ्लेक्स करते हुए देखा? नहीं ना। तो ये चूतिए कौन से खेत की मूली है? ये कौन सी मत किया करो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, बहुत चूतिए लगते हो तुम तो यार। हेलो सर, हेलो, ऑडियंस में से हूँ, कुछ सवाल करना तो बनता है मेरा। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो आजकल की लड़कियाँ नंगा नाच कर रही हैं सोशल मीडिया पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो यार, सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि दे आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। सही है, ये लड़कियां सिर्फ मजदूर जैसे लोगों, यानी कि वो जो मजदूर आते हैं ना बाहर सिटी से, दूसरी जगहों से, जिनके पास अपनी बेगम नहीं होती हवस पूरी करने के लिए, तो वो अपनी हवस यहाँ से पूरी कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता VPN क्या चीज है, क्योंकि पॉर्न तो बैन है, तो पॉर्न देखने की नई जगह है इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक। तो वो लोग अपनी हवस वहां से पूरी करते हैं, और ये जो इतनी गॉर्जियस और इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं, जिनको जो इस खुशफहमी में रहती है कि हम लड़कों के क्रश हैं, आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप जिस लड़कियों के साथ सोना हर कोई चाहता है, लेकिन हलाल रिश्ता कोई नहीं बनाना चाहता। मैंने ये भी देखा है कि इनको लड़कियों को घर से सपोर्ट भी बहुत होती है, और साथ साथ मैंने वीडियोस में अक्सर देखा है कि लड़कियों के बाप भी उनके साथ नाच रहे होते हैं। ये मुझे चीज़ें लॉजिक समझ नहीं आती कि एक नॉर्मल सी लड़कियों को ये सब कैसे। देखो दोस्त, बात ये है कि पहले का ज़माना एक लड़की हुआ करती थी, उसके घर में बहुत गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुर्बत थी, कि खाने को खाना नहीं था और पहनने को कपड़े नहीं थे। तो फाइनली उसके बाप ने हार मान के दुनिया से उस अपनी बेटी को कोठे पे बिठा दिया। वहाँ वो कोठे पे और डांस वगैरह भी करती थी, जो उससे फरमाइश होती थी वो लोगों की फरमाइशें पूरी करती थी। अब ज़माना जो है बदल गया है, सही है। उसके बाप फिर जाहिर सी बातें, लोगों ने आना बंद कर दिया, तो उसका बाप परेशान हो गया कि ये लोग यहाँ नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली उसके बाप को वो राज पता चला, और उसके बाप ने उसको एक रिंग लाइट ला के दी, एक ट्राईपॉड ला के दिया, और उसी के साथ साथ एक उसको टिकटॉक अकाउंट बना के दिया, और उसने बेटी से कहा कि यहाँ नाचो, चलो बेटा चलो, पैसा ही पैसा हो गया। दूसरा सवाल ये है कि शाबिर जाफरी, शाम इदरीस और हुसैन तरीन जैसे टट्टी लोगों के इतने मिलियन में फॉलोअर्स, और जो असल जैम है जैसे कि रजा समो हो गया, जुनेद अकरम हो गया, यंगस्टर्नर्स हो गया, मोरू हो गया, इन लोगों के इतने कम फॉलोअर्स क्यों? तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी क्रिएटर को उसके फॉलोवर्स या फिर उसके व्यूज से जज मत किया करो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जिनके फॉलोवर्स कम होते हैं उनका काम बहुत हाई होता है, और जिनके फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं उनका काम बिल्कुल लड होता है, सही है। तो कभी भी किसी को उसके फॉलोवर्स से जज नहीं किया जाए। माना व्यूज अच्छी चीज है, लेकिन सारा गेम इसी के ऊपर आके नहीं अटकता, और अगर सारा गेम व्यूज और फॉलोवर्स का ही है तो कल से सनी लियोनी को अम्मी और मिया खलीफा को इन्फ्लुएंसर बोलना शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स उन लोगों के। और दूसरी बात यह है कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है और टट्टे की पहचान सिर्फ लंड को होती है। इसी वजह से तुमने हुसैन तरीन, शाबिर जाफरी जैसे लोगों को फॉलो किया, और मैंने रजा समो, जुनेद अकरम, मूरो इन जैसे लोगों को फॉलो किया। सर, ये जो आजकल के पाकिस्तानी पुराने जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, ये जो अब कंटेंट बना रहे, इतना ठंडा ठंडा कंटेंट, इतना ठंडा, जैसे कि 3 इडियट ऐसे ही बोलते, बेरोजगारी नाम की भी कोई चीज होती है ना, माँ को पढ़ाना है, बाप की शादी करनी है, बहन की दवाइयां लेनी है, हाँ जो भी करना है, और कराची में इतना रोजगार है नहीं कि बंदा ये सब चीजें कहाँ से करेगा यार। तो उसके पास एक ही जरिया रह जाता है, यूट्यूब, वहीं से अर्निंग करेगा यार। और जब लोगों के पास कंटेंट खत्म हो जाता है तो वो लोग अपनी यूट्यूब अर्निंग बताना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं जाननी आपकी यूट्यूब अर्निंग दानियाल भाई, बिल्कुल नहीं जाननी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत चूतिया कंटेंट लगा है हमें आपका, 30,000 रुपए जो आप एडिटर को दे रहे हो वो अपने पास भी रख सकते हो। आई रिस्पेक्ट योर आर्ट, ये प्ले कार्ड वाला जो आपने गेम खेला बहुत जबरदस्त है, इस वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और आप बहुत पुराने हो इस वजह से भी करता हूँ, लेकिन प्लीज बंद कर दो ये सब, बंद कर दो यार ये सब, बंद कर दो, मैं बड़े में बंद करना है इसको, कितनी लगेगी।